यूपी मैनपुरी रास्ते में एक किशोरी को दबोचा, खेत में ले जाकर किया दुष्कर्म और फिर की एक और घिनौनी हरकत। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी एक गैर समुदाय की किशोरी को खेत पर जाते समय आरोपी ने पकड़ लिया, झाड़ियों में ले जाकर तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाया और दो दिन पहले उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सीओ का कहना है कि इस संबंध में अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जानकारी की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बता दें मामला है कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का। यहाँ निवासी एक गैर समुदाय की 13 वर्षीय किशोरी कुछ दिन पूर्व खेत पर माँ के पास मवेशी के लिए चारा लेने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी युवक ने उसे पकड़ लिया, तमंचा दिखाकर उसे झाड़ियों में ले गया, वहां किशोरी को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, मोबाइल से उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। दो दिन पहले ही आरोपी ने किशोरी का उक्त वीडियो वायरल कर दिया। किशोरी को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो गोली मार दूंगा। धमकी के बाद पीड़िता सहम गई, वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद परिजन को जानकारी हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना के बाद से परिवार में दहशत है। उक्त घटना को लेकर सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि इस तरह की घटना अभी संज्ञान में नहीं आई है, जानकारी की जा रही है, यदि ऐसा हुआ तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आरोपी ने दोस्तों को भेजा वीडियो, कोतवाली क्षेत्र निवासी गैर समुदाय की किशोरी के साथ दुष्कर्म का वीडियो बनाया। आरोपी ने उक्त वीडियो को अपने दोस्त को भेजा, उस दोस्त ने दूसरे और फिर इसी तरह से गांव में किशोरी का अश्लील वीडियो सार्वजनिक हो गया। जानकारी होने के बाद परिजन घबराए हुए हैं। हम खेतों पे जा रहे थे अपना चारा लेने, ये हमारे पीछे से इसने हमारा रास्ता रोका और हमसे कहा वहाँ चलो, हमने मना करी तो हमारे धमकी भी हाथ पकड़ के खींच के ले गया और हमसे कहा ये हमें दिया सलवार खोल और मेरे पर तमचा रखा, बोला हम इससे मार देंगे जल्दी कर, हमें धमकी दी, मेरी वीडियो बना और कही हमने डाल देंगे सबके पास। फिर हमने हम चले गए, इसने ये कही हम बुलाए तब आना नहीं आई, तो हम ये वीडियो डालेंगे तुझे मार देंगे। कौन है ये लड़का, कहाँ का है? हमारे गांव का है। आपकी क्या नाम है? नहीं, हमारी बरादरी जय की नाम है। पहले भी कभी इससे बात हुई है, बातचीत हुई कभी? नहीं, पहले ही परेशान किया इसने? नहीं, पहले कभी नहीं, उसी दिन अचानक। तो वीडियो वायरल कर दिया इसने? हाँ, इसने वीडियो वायरल कर दिया, जब मैं गई नहीं तब इसने एकदम वीडियो मेरी वायरल कर दी इसने सबके पास। वीडियो वायरल हो गया, आपने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है, क्या घटनाक्रम था, कैसे ये हुआ था? वो हमने आपको बताया क्योंकि एक लड़की खेत पर जा रही थी अपने माँ के पास चारा लेने और रास्ते में झाड़ी पड़ती है बंगूरों की, उसने पकड़ लिया है और बंगूरों में उसके मतलब कपड़े पड़े उतार दिए, दिखाया तमंचा दिखाया और मतलब उसका वीडियो बनाया है। अच्छा, उसे दिखाया लड़की मेरी गैर भी तो हो गई है, उससे कहाया ये कि मैं बुलाएं जब आओ, और वो लड़की मेरी नहीं गई है बिल्कुल, कह रहे थे चार पांच रोज, तब उसने वीडियो ये बारे में। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ, क्या किया लड़के ने? गलत काम किया? हाँ, गलत काम किया। लड़का कौन है? कहाँ का है ये? गाँव का है क्या? गाँव का है, पड़ी रहा। एसपी से आपने शिकायत की है तो क्या कहा उन्होंने? साहब मैंने सुने हमारे घर वाले थे इसके चीजे में, मतलब मेरे घर वाले। ये घटना कब हुई थी, कितने दिन पहले? ये साहब घटना तो इस हिसाब से बिटिया जो बता रही है वो लगभग एक हफ्ता हो गया। आपको कब पता चला? परसों। अच्छा, कितनी उम्र है बच्ची की? 13 साल। आपको कैसे पता चला? उस वीडियो द्वारा। किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया, घटना का वीडियो वायरल कर दिया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक वीडियो वायरल होने की भी बात कही जा रही है। इसमें तत्काल थाना कोतवाली में FIR पंजीकृत की गई है 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जो पीड़िता है उसका मेडिकल और 164 के बयान कराए जा रहे हैं और इसमें शीघ्र ही प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस